हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मम्मी बनी व्लॉगर्स में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हो, आज रानी नहीं, इस व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ बिकॉज रानी बना रही है ब्रेकफास्ट। और दो दिन से वो व्लॉग नहीं कर रही थी बिकॉज जावेद की तबीयत थोड़ी खराब थी और वो उस टेंशन में उसने व्लॉगिंग की ही नहीं। मैंने आज उससे बात किया, मैंने उसे कहा व्लॉगिंग करनी चाहिए। नाउ अभी फिलहाल जावेद बहुत बेटर फील कर रहा है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही इज हियर, आप देख सकते हो। हाउ आर यू जावी? और ये रही प्यारा, प्यारा भी यहाँ पर है और मैं अब आपको मिलाता हूँ रानी से। रानी यहाँ पर है। हाय रानी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज वेलकम बैक टू माय चैनल बोलने का तो मौका मिला नहीं मुझे क्योंकि मेरे व्लॉग को किसी और ने स्टार्ट कर दिया है। किसी और ने मतलब क्या? एक चोर इंसान ने व्लॉग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं चोर कैसे हो गया भाई? हेलो, चोरी किया आपने मेरे? इसे कहते हैं घुसपैठ। घुसपैठिया हमारे घर में जो है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया हमारे व्लॉग तो कोई नहीं, चलो। और मैं अभी इस वक्त लगा रही हूँ ब्रेड में मस्का। उसको टोस्ट करोगे ना? हाँ, इसको टोस्ट करूंगी। मस्का मैं बहुत अच्छे से लगाती हूँ, खास करके अपना काम निकलवाना। अरे इसको इसको कल किस तरह से जला दिया है, पूरी तरह से जल भुन गया है इसमें चीज, तो इसको क्लीन करना पड़ेगा। अरे ठीक है, चलेगा, चीज महकेगा। अरे भूख लग रही, प्लीज जल्दी से बना दो ना, जो भी है जैसे भी बना दो। चलो, मैंने ध्यान नहीं दिया इसको, चीज ना महके ना कहीं। अरे कुछ नहीं होता है, चीज टोस्ट हो जाएगा। चाय चाय के साथ है ना, मीठा मीठा तीखा तीखा अजीब सा टेस्ट आएगा आपको। कुछ भी, अब तो तुम कुछ ज्यादा डिटेल शेयर कर रही हो उसकी। बस चाय हो जाए जल्दी से, फिर नाश्ता कर लेते हैं, फिर नाश्ते के बाद देखते हैं आज क्या बनाओ खाने में। और जावी की तबीयत भी नहीं ठीक है तो डॉक्टर ने बाहर जाने से भी मना किया है, तो अभी जितना हो सकेगा कोशिश मैं घर में ही ब्लॉग को शूट करूंगी बिकॉज उसको डस्ट एलर्जी है जो कि डॉक्टर ने बोला है आपको एक दो से तीन महीने तक का कोर्स है, फिर उसके बाद वो सही हो जाएगा। तो अभी उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। सो मैंने यहाँ पे ब्रेड टोस्ट करने रख दिया, यहाँ पर चाय गर्म हो रही है और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। तो बात ये है कि आज हम सिर्फ नाश्ते में ब्रेड और चाय ही खाने वाले हैं क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा हो रही। गर्मी से याद है कि यार प्लीज ऐसे चालू कर दो, कब से बोल रही हूँ। हाँ, तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही, इतनी ज्यादा हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि मतलब गर्मी स्टार्ट ही इस तरह से हुई है, इसका एंड क्या होगा, इतनी गर्मी हो रही है। बाहर गैलरी हर जगह बगैर एसी के तो मतलब पसीना छूट रहा है इंसान के बदन में से, इतनी गर्मी हो रही है। तो गर्मी में कुछ चीज अच्छी होती कुछ बुरी होती, जैसे कि तुम्हारी फेवरेट आम आता है गर्मी में। हाँ, तो आम पकेगा इसलिए आइसक्रीम खाने का मजा अलग होता है। हाँ, तो मैं आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, ठंडी हो रही थी खानी, तो गर्मी आ गई तो अब सब चीज ठंडी ठंडी होने वाली है, तो हमारा नाश्ता भी चेंज हो गया है। सो चाय ब्रेड हल्का फुल्का नाश्ता प्लस उसके साथ पहले अंडा वगैरह भी बनता था ब्रेकफास्ट में, सब नहीं मसालेदार खाना भी थोड़ा बंद करना पड़ेगा। जितना गर्मी आ रहा है उस हिसाब से थोड़ा खाने को हल्का लाइट करते जाएंगे धीरे धीरे, हरी हरी सब्जी अच्छी अच्छी फ्रेश फ्रेश, और ये अंडा मांस मटन ये सब थोड़ा सा कम बिकॉज गर्मी में ये सब थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और अगर खा भी रहे हैं तो उस तरह से खाओ कि थोड़ी क्वांटिटी में खाओ, उसके साथ दाल वगैरह भी हो। तो आज तुम्हें क्या बोले थे अभी, तुमने वापस बोलो, गर्मी मसालेदार खाना, मसालेदार खाना। तो आज इन्होंने क्या बोला है, मसालेदार खाना। दो दिन से मुझे बोल रहे गर्मी आ रही है मसालेदार खाना नहीं खाऊंगा, तो आज मैं इनको ऐसा खाना खिलाऊंगी कि याद रखेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या खिलाओगी याद रखूंगा, मतलब ईटा पत्थर देने वाली हो क्या? आज मैं इनको बगैर मसाले का खाना खिलाऊंगी, मतलब मसाला ही नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, मैं भी खाना चाहता हूँ बगैर मसाले का, मुझे भी एकदम पतला होना है, मेरा भी ढोल कुछ ज्यादा हो गया, पेट कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, अब मैं भी एकदम नहीं होगी आज, सिर्फ मैं आपको बगैर मसाले का खाना खिलाऊंगी। हाँ ठीक है, मसाला नहीं रहेगा उसमें क्योंकि तुम मेरी जान के पीछे लगे, मुझे सब चीजें ला के दी है, मेरे लिए बना के दो, मुझे करके दो, तो मैं आज है ना इनको बगैर मसाले का। अरे भाई डाइटिंग ही करवा दो ना, मेरे जो सिक्स पैक है छुपे हुए हैं उनको मेरे को दिखाना है लोगों को। देखो नहीं, ये देखो इनके पास फैमिली पैक, नहीं बदमाशी नहीं, ये अंदर ही आया है, गुदगुदी कर दिया।
रही मैं। अरे जो शटा भी कोई तरीका हुआ क्या? ये क्या जा रहा फैमिली पैक? अरे इसके अंदर, इसके अंदर है ना, सच में मैं बोल रहा हूँ, 8 packs, 8 नहीं तो 6 packs छुपा हुआ है उसको। बस तुम मुझे अच्छा हेल्दी खाना दो, मसालेदार खाना मत दो, फिर देखना मैं कैसे एकदम परफेक्ट हो जाऊँ। ये फैमिली वाला पैक है, फैमिली नहीं है ये, फैमिली वाला वाला। अच्छा, वो बारा मल्ला चाहती बोलती बाला पैक है। बाला क्या? बाला पैक, बाला। नाश्ता 1 घंटा चलता है, मालूम है, खाना 1 घंटा चलता है। बहुत परेशान हूँ जा रहे से तो मैं। जिसको बोर्डिंग में डाल दो, मैं बोल रही हूँ आप इसको बोर्डिंग में डाल दो, कुछ भी तुमको ना डाल दो बोर्डिंग में। औरतें बोर्डिंग में जाती है, ले चलो कहीं को, मायके चले जाओ ना। नहीं मायके क्यों जाओ, हम लोग को थोड़ा आराम मिले। बोर्डिंग तो निकल सके, मायके तो चले जाओ, 2-3 दिन के लिए चले जाओ बस। जल्दी से फिनिश करो प्लीज, आज हमें 2-3 दिन के लिए जाऊंगी। मैंने पहली बार ऐसी कोई औरत देखी जो अपने मायके नहीं जाते, सुना जल्दी से क्यों ऐसा? ताकि तुम क्रिकेट खेलने जाओ। तो क्रिकेट खेलेगा आदमी, थोड़ा सा घूमे फिरेगा, थोड़ा थोड़ा सा चाय पी लो। खबरदार जो मायके का नाम लिए। हाँ दादी बता दो जरा पापा को, करके बता दो। तुम मायके जाओ तो मैं भी वो रील बनाना चाहता हूँ, मेरी बीवी मायके चली गई, देखो मेरी लाइफ, मेरी मेरी दुनिया, देखो एक फ्रेम में। हेलो बच्चू, बदमाश है ये बच्चा, बहुत बदमाश है, इसने मुझे तंग करा है। मैंने बोला था ना इससे दूर रहो। जावी दीदी को पढ़ने दो, बदमाशी नहीं। बस बस हाँ, सब सामान उस तरफ रखो अपना। और फिर ये बू कैसे ऐसे करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं उसको पकड़ के रखती हूँ ना, पढ़ाई कर लो, मैं जब तक उसको उसकी पोयम लगा के देती हूँ।
सो ये कलरफुल सैलेड बन चुका है और बहुत बहुत टेस्टी, मुझे तो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये टेस्ट करके बताएंगे, जल्दी से एक बाइट खा के देखो प्लीज। और क्लास को लेट हो रहा है आपको, बहुत गर्म है। ओह माय गॉड, फूको फूको मत ना मस्ती करो प्लीज। ओह मेरे दांतों में कैविटी नहीं है। इतना बड़ा हूं था तुम्हारा। सो फाइनली मैंने अपना बेड भी क्लीन कर लिया है और मैंने इतना प्यारा सा सजाया है, और मैं इसे एवरी डे इसी तरह से क्लीन करके रखती हूँ और इसी तरह से सजा के रखती हूँ। और यहाँ पर प्यारा फिर मेरी आराम करती है, रहती बैठती है। यहाँ पर जावी का झूला है और जावी का झूला इस तरह से रखती है प्यारा यहाँ पर क्रॉस करके, ताकि वो टीवी देख सके। और ये दोनों इधर ही रहते हैं और फिर मैं नीचे जाकर अपना जो भी काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। तो काफ़ी यूज़फुल है ये झूला, जब से इसे लिया है ना, जब से बहुत आसान हो गया है यहाँ पर जावी को संभालना, क्योंकि वो अपना पोएम वगैरह देखते रहता है और प्यारा भी अपना आराम से लेटी रहती है। तो बहुत 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 ही आराम हो गया है इसको लेकर मुझे। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अभी घर में ही बनाऊँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है अभी बाहर ट्रैवल करने के लिए। 3 महीने तक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर करना है तो मॉल वगैरह जा सकती हूँ, अच्छी क्लीन जगह पर जा सकती हूँ जहाँ पर डस्ट ज़्यादा नहीं होती है, और कार से ही जाना है। तो मतलब नॉर्मल जो वीडियोज़ होते हैं वो मैंने ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा वीडियो शूट करके दिखाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करके दिखाऊँ आप लोगों को, और मेरे वीडियोस अच्छे हों। तो मैं ज़्यादातर अभी घर में ही वीडियो शूट करूँगी, पर इसमें भी मैं कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा बना के दिखाऊँ वीडियो, अच्छे से अच्छा शूट करके दिखाऊँ। और जिस तरह से मेरा काम यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, वापस फिर मैं नहाऊँगी। बहुत गर्म हो रही है, बहुत गर्म हो रही है, इतनी गर्म हो रही है ना कि दिल कर रहा है, मतलब पसीना ही पसीना निकल रहा है एसी में भी। और बस फिर अभी नीचे मेरी काम वाली भी अपना वॉशरूम वगैरह भी क्लीन कर रही है, तो बस मेरा काम हो गया है अभी फाइनल। फिर मैं फ्री हो गई हूँ और अब थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद मैं उठूँगी और चाय वगैरह बनाऊँगी और फिर पीऊँगी। बट थोड़ा मोड़ा जो मेरा काम था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरी चीज़ें अच्छी लगी हों। और अब मैं थोड़ा आराम करूँगी, रिलैक्स करूँगी नहाने के बाद, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी, फिर उसके बाद मैं उठूँगी और चाय वगैरह बनाऊँगी और चाय वगैरह पीऊँगी। तब तक इसके पापा आ जाएंगे फिर वापस डिनर। तो औरत का तो काम कभी ख़त्म नहीं होता है, डेली रूटीन हमारा ऐसी होता है कि जब तक हम सोते नहीं तब तक हमारा काम ही नहीं ख़त्म होता। खैर कोई नहीं, और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मम्मी बनी ब्लॉगर मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।